ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 609 के मिड टर्म के सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है एक्स ऑन एंड ऑफ इन सॉफ्टवेयर फ्लो कंट्रोल। सो एक्स ऑन जब कभी भी रिसीव हुआ इंडिकेट करता है स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और एक्स ऑफ जब कभी भी रिसीव हुआ इंडिकेट करता है एक टेम्परेरी पॉज जो है कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद ये कि THR स्टैंड फॉर, ये एक एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिटिंग होल्डिंग रजिस्टर। उसके बाद ये कि DLL स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म है बैंड रेट डिविजर। और उसके बाद ये कि RBR स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म है रिसीवर डेटा। उसके बाद ये कि इनफ्लो कंट्रोल, को फ्लो कंट्रोल के अंदर व्हाट इज द वर्किंग ऑफ D4, D4 की वर्किंग क्या है। सो D4 बिट जो है वो क्लियर है इंडिकेट करने के लिए लो निबल जो कि भेजी जा रही है, और रिसीवर जो है वो जानेगा अराइवल जो है लो निबल की, जब वो चेक करता है बिजी बिट जो कि सेट होना चाहिए अराइवल के ऊपर। उसके बाद ये कि हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से कैसे इनपुट जो है वो हासिल करें। सो कीबोर्ड जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है और ये बनाता है यूज जो इंटरप्ट नंबर 9 का उसके इनपुट ऑपरेशंस के लिए। जब कभी भी एक की प्रेस की जाती है इंटरप्ट 9 होता है, इंटरप्ट नंबर 9 जो है होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस जो है करता है इस इंटरप्ट को ताकि प्रोसेस करे की प्रेस को। और ये इंटरप्ट यूजुअली रीड करता है स्कैन कोड जो है कीबोर्ड पोर्ट से, और कन्वर्ट करता है उसको अप्रोप्राइट ASCII कोड के अंदर, और रखता है ASCII कोड को कीबोर्ड बफर के अंदर बायोस डेटा एरिया में। उसके बाद ये कि फीफो UART Q, अब ये फीचर जो है वो अवेलेबल है न्यूअर वर्जन के अंदर UART नंबर 6160500, और एक क्यू या फिर बफर जो है इनपुट का या फिर इनपुट बाइट का मेंटेन होता है UART के अंदर ताकि फैसिलिटेट करे ज़्यादा एफिशिएंट IO, और साइज जो है क्यू का कंट्रोल किया जा सकता है इस रजिस्टर के जरिए। उसके बाद है फिर के व्हाट इज रियल टाइम क्लॉक, रियल टाइम क्लॉक एक डिवाइस इनकॉर्पोरेट होती है PC के अंदर के अपडेट किया जाए टाइम इवन के कंप्यूटर अगर ऑफ भी है, और इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि शो होती हैं स्लाइड में, स्लाइड अबव जो कि एनेबल करता है इसको कि अपडेट किया जाए टाइम इवन के कंप्यूटर ऑफ है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।